टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। बुलंद शहर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने दिन दहाड़े हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दे डाला। घटना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गुलावटी रोड अंडरपास की है, जहां तमंचे के बल पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने 2,18,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल सिकंदराबाद का कांवरा निवासी सहजाद कुट्टी गोदाम पर मुनीम है। पीड़ित की माने तो पीड़ित मार्केट से इकट्ठा किए गए 2,18,000 की रकम को मालिक के बैंक खाते में जमा करने के लिए निकला था, तभी गुलावटी रोड पर अंडरपास के पास स्कूटी सवार तीन बदमाशों ने तमंचे के बल पर पीड़ित को रोक लिया और बदमाशों ने पीड़ित से सारा कैश लूट लिया। इतना ही नहीं, लुटेरों ने लूट का विरोध करने पर उसे तमंचे की बट मार कर घायल भी कर दिया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जबकि पुलिस अब लुटेरों की तलाश कर रही है। देखिए, शहजाद नामक एक व्यक्ति है जो एसएस ट्रेडिंग एजेंट एजेंसी में कलेक्शन का काम करता है। आज वो सुबह करीब 8:30 बजे के करीब अपने घर से निकला था और घर से निकल करके बैंक में पैसा जमा कराने के लिए जा रहा था। गांव का रास्ता सुनसान है एकदम और वहां किसी का आना जाना नहीं है। उस रास्ते से जब वो आ रहा था तो वहाँ पर इसका कहना है कि स्कूटी सवार बदमाशों ने इसके साथ गुत्थम गुत्था किया और इसके साथ मारपीट करके इसे 2,18,000 इसके बैग में थे वो छीन लिए। इसके साथ इसका चाचा बैठा हुआ था। विस्तृत पूछताछ की जा रही है और टेक्निकल एविडेंसेस इकट्ठे किए जा रहे हैं। आशा है कि जल्दी ही हम लोग घटना का अनावरण कर देंगे। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शुभम शर्मा की रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।